Hello everyone, welcome to online classes. So as you all know, we have completed our chapter 3 in geography class 3. And today, हम क्या करेंगे? अब हम हमारे क्वेश्चन आंसर करेंगे. मैंने आपको होमवर्क में एक टेबल दी थी, उम्मीद है मुझे आपने उस टेबल को अच्छी तरह से रिवाइज कर लिया. अब हम देखेंगे हमारे कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर. चलिए देखते हैं कौन कौन से एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर हैं और इस सारे के सारे क्वेश्चन आंसर के आंसर आपको अपनी खुद की इस बुक में मिल जाएंगे. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनी क्वेश्चन बिकॉज एवरीथिंग इज इन योर बुक. सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन. इसमें से कुछ क्वेश्चन मैं करूंगा और कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दूंगा. फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड. कि भाई कौन है जो लीडिंग प्रोड्यूसर है, किसका? कॉपर का, इस वर्ल्ड में, वो हमें बताना. तो कौन है भाई कॉपर का लीडिंग प्रोड्यूसर? वो है बोलीविया, जिम्बाब्वे या चिले. तो मेरे हिसाब से तो चिले है, बट मैं आपको फिर भी इसमें बता देता हूं कि भाई क्यों है चिले. आ जाइए, चिले कहां पे आता है? चिले आता है नॉर्थ अमेरिका में, सॉरी साउथ अमेरिका में. नॉर्थ अमेरिका में थोड़ी आता है, साउथ अमेरिका में आता है. तो साउथ अमेरिका में अगर हम देखें, चलिए साउथ अमेरिका कहां है? साउथ अमेरिका ये रहा साउथ अमेरिका. हाँ देखिए, ब्राजील और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ये तो है. चिले एंड पेरू यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपके लिए इसको हटा देता हूँ. ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, चिले एंड पेरू आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर. दिख रहा है आपको? तो चिले वहां पे आपको दिया हुआ था, तो हमारा लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर क्या हो गया? चिले, हमारा आंसर हो गया. ठीक है, इस तरीके से हमने हमारा आंसर लिख लिया. इसी तरीके से आपको सारे आंसर मिल जाएंगे. अब आ जाता है हमारा सेकंड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोड्यूसर ऑफ मीका. इन सब में से कौन है जो मीका को प्रोड्यूस नहीं करता? देखते हैं भाई कौन है जो मीका को प्रोड्यूस नहीं करता. चलिए आ जाइए, देखते हैं कौन है. तो अगर देखा जाए तो हम आ जाते हैं इंडिया में. इंडिया में ही सारे आंसर मिलेंगे हमें इस बार. चलिए आ जाइए इंडिया में. हमें कहाँ आना है? हमें आना है इंडिया में. तो ये आ गए हम इंडिया, डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया में आ गए. इसमें हम देखेंगे बॉक्साइड के कहाँ कहाँ है, आयरन के कहाँ कहाँ है, गोल्ड के, सॉल्ट के, मीका के. हमें आंसर देना है मीका के बारे में. आ जाइए यहाँ पे. मीका डिपोजिट मेनली होकर इन झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान. वहां पे देखिएगा, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. तो देखिए, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, वहां पे है क्या कुछ ऐसा ही? यहाँ पे देखिए, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, वो सब है. अब यहाँ पे बताना है नॉट अ प्रोड्यूसर ऑफ मीका. तो झारखंड तो है, आंध्र प्रदेश भी है, झारखंड भी है, ये नहीं है. तो हमारा आंसर क्या हो गया? कर्नाटका. हमें नॉट बताना है, ना कि जो है. अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, सब पढ़िए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिनरल्स. तो भाई मिनरल्स का कौन है जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, वो हमें बताना है. चलिए देखिए, फर्स्ट, दे हैव अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन. उनके पास क्या है भाई? उनके पास एक निश्चित या डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन है. ये तो बिल्कुल सही बात है. दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस. बिल्कुल सही, मिनरल्स किससे बने? नेचुरल प्रोसेस से बने, मन की कोई रोल नहीं है उसमें. दे आर इनएग्जॉस्टिबल. नहीं, ये गलत है. तो हमें तो नोट बताना है. तो हमारा आंसर हो गया दे आर इनएग्जॉस्टिबल, क्योंकि हमारे जो मिनरल्स है वो एग्जॉस्टिबल है, समय के साथ खत्म हो जाता है, मिनरल बनने में बहुत समय लगता है. तो मेरी आंसर हो गया. अब आ जाइए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज विल नॉट कंजर्व एलपीजी इन योर किचन. एलपीजी जो आप खाना पका रहे हो गैस पे, वो एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. तो उसे कंजर्व, विल नॉट कंजर्व, मतलब कौन है जो कंजर्व नहीं करेगा? अगर हम कुकिंग करें प्रेशर कुकर पे, कुकिंग फूड इन प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर है वहां पे नीचे एलपीजी चलानी पड़ेगी, जाकर ही प्रेशर कुकर से फूड बना पाएंगे. तो हमारा आंसर क्या होगा? कंजर्व
करना है हमें, तो ये तो कंजर्व करेगा नहीं, तो हमारा आंसर ये हो सकता है। चलिए और भी देख लेते हैं। कीपिंग द वेजिटेबल चॉप्ड, काट दीजिए बिफोर लाइटिंग द गैस फॉर कुकिंग, काट के रखेंगे कुकिंग से पहले, उससे तो बचेगा, उससे जो है कंजर्व होगा एलपीजी, क्योंकि अब तो जला ही नहीं रहा अभी तो। कुकिंग फूड इन एन ओपन पैन कैप्ड ऑन लो फ्लेम, अब ये ओपन पैन में कर रहे हैं और कम कर दिया, तो उसी से भी एलपीजी थोड़ा तो बचेगा, माना कि जाएगा भी एलपीजी थोड़ा थोड़ा बचेगा तो सही, क्योंकि लो कर दिया फ्लेम। सोकिंग, सोक कर दिया दाल को फॉर सम टाइम बिफोर कुकिंग इट, सोक कर दिया तो उससे क्या होगा, दाल जल्दी उबल जाएगी, जल्दी चीजें हो जाएगी, तो एलपीजी कम लगेगी, कंजर्व होगी, तो कुकिंग से नहीं होगी, तो हमारा आंसर क्या हो गया, कुकिंग। कुकिंग में एलपीजी का यूज करना ही पड़ेगा हमें, इस वजह से ये हमारा वहां पे हो गया। ठीक है, अब चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं हम। डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, मतलब इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंसेस बताने हैं। फर्स्ट बायोगैस एंड नेचुरल गैस, इन दोनों के बीच में आपको कुछ डिस्टिंग्विश बताने, डिफरेंसेस बताने। कैसे बताएंगे, चलिए ये टेबल बनाने हैं, यहाँ पे लिखिए बायोगैस, यहाँ पे बताइए नेचुरल गैस, और यहाँ पे इनके पॉइंट वाइज डिस्क्रिमिनेशन बता दीजिए। देखिए बायोगैस और नेचुरल गैस में आ जाइए, चलते हैं बायोगैस और नेचुरल गैस हमें डिफरेंसेस बताने हैं। कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस कहाँ पे, देखिए आ जाइए, ये रहा हमारा नेचुरल गैस, और बायोगैस भी बताना है, नेचुरल गैस भी, ये रहा बायोगैस कहाँ पे, बायोगैस नीचे ही नीचे हमें मिलेगा, आपको पता है सबसे एंड में हमने देखा था बायोगैस, ये रहा। चलिए इन दोनों में हमें डिफरेंस क्रिएट करना है, चलिए करते हैं। फर्स्ट नेचुरल गैस इज ऑफन फाउंड इन एसोसिएशन विद पेट्रोलियम, पहले तो ये हो गया कि नेचुरल गैस जो है फाउंड होती है कहाँ पे, पेट्रोलियम के साथ। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया, क्या हो गया, पहला पॉइंट हो गया कि भाई पेट्रोलियम के साथ जो है ये फाउंड होता है। अब बायोगैस में क्या होगा, कंजर्वेशन है ये तो बायोगैस ही रहा। ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट, डेड प्लांट्स एंड किचन वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू बायोगैस व्हिच इज यूज्ड एज फ्यूल फॉर, कैन बी कन्वर्टेड इनटू बायोगैस, यहां तक ही लिखना सही रहेगा, यूज वूज किस तरीके से कर रहे हैं वो बाद में बात करेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। तो यहाँ तक आपका ये यहाँ पे पहला पॉइंट होगा, दोनों पे आप पहला पहला पॉइंट लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा। व्हेन अ वेल इज ड्रिल्ड इन द अर्थ क्रस्ट नेचुरल गैस कम्स आउट फर्स्ट फॉलोड बाय पेट्रोलियम, ठीक है, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया, इस तरीके से निकलेगी। अब हमारा इसमें क्या पॉइंट होगा, बायोगैस में, बायोगैस डाइजेस्टर्स आर यूज्ड टू डीकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट बाय बाय बैक्टीरिया प्रोड्यूस बायोगैस विच इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, इस तरीके से बायोगैस बनती है, उस तरीके से पेट्रोलियम के साथ नेचुरल गैस बनती है। और फिर आ जाइए नेक्स्ट, नेचुरल गैस इज यूज एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल, ये भी इसमें सेकेंड पॉइंट में इनकॉर्पोरेट कर दीजिएगा। ठीक है, अब आपको एग्जाम्पल्स में ये थर्ड पॉइंट में लिख दीजिएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और सीएनजी के बारे में। और थर्ड पॉइंट हमारा लास्ट पॉइंट डिफरेंस का आ जाएगा यहाँ पे बायोगैस के रूप में, बायोगैस में क्या लिखेंगे, इंडिया इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बायोगैस, द एडवांटेज ऑफ बायोगैस आर दैट इज चीप फ्यूल बट इसका भी बहुत ज्यादा पॉल्यूशन का कारण है। ठीक है, ये सब हम वहां पे बता दें, हमारे तीन पॉइंट्स हो गए। और इस तरीके से हमने क्या किया, हमारा पूरा का पूरा ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, ये हो गया। अब हमारा आ जाता है सेकंड क्वेश्चन, चलिए सेकंड क्वेश्चन करिए। फेरस
एंड नॉन फेरस मेटल्स के बारे में बताएंगे। फेरस जहाँ पे आयरन हो और नॉन फेरस जहाँ पे आयरन ना हो, वो वाले मिनरल्स मैंने आपको वहां पे भी बताया था कि मेटलिक मिनरल्स के दो टाइप्स हैं, एक फेरस है और एक नॉन फेरस है। तो इसमें फेरस में आयरन है, आयरन और मैग्नीज और ये सब, नॉन फेरस जिसमें आयरन और नहीं हो तो वो सारे जैसे गोल्ड सिल्वर, तो ये मैंने आपको बता दिया। तो ये आपको होमवर्क में लिख के दिया, मैंने आपको सारी की सारी डिटेल्स तो पहले ही बता दी, पर मेरी आपने जो डिटेल्स सुनी है तो आपको देखने की जरूरत नहीं है, वही आप लिख सकते हैं। बट अगर आप चाहें तो देखिए ऊपर, सबसे पहले मैंने आपको बताया था पार्ट में थर्ड, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल, इन दोनों में डिफरेंस बताया है। मेटेलिक जिसमें मेटल होते हैं, नॉन मेटेलिक जिसमें मेटल नहीं होते, सीधी सी बात है, ये आपको डिफरेंस बताना है। ये भी मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। ये क्या करना है आपको, ये भी आपको होमवर्क में करना है। मैंने आपको सारी डिटेल्स बता रखी है फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट, अब आप फोर्थ क्वेश्चन, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कन्वेंशनल मैंने आपको बताया कोल, पेट्रोलियम, फायरवुड, नेचुरल गैस वगैरह, और नॉन कन्वेंशनल सोलर एनर्जी वो सब। तो ये भी आप बता सकते हैं, मैंने आपको अच्छी तरह से डिटेल में स्टडी कराई है, तो ये होमवर्क में आप आराम से इनमें डिफरेंस इस तरीके से बता सकते। अब आ जाते हैं थर्ड, गिव रीजंस, भाई कारण दीजिए, इनमें क्या बताना है हमें, इनमें हमें कारण देना है। मैं आपको कारण जरूर दूंगा। मोस्ट इंडस्ट्रीज आर कंसंट्रेटेड अराउंड कोल माइंस, आप बताइए। मोस्ट इंडस्ट्रीज जो है कोल माइंस के अराउंड कंसंट्रेटेड क्यों हो रखी है, क्योंकि कोल माइंस सबसे पहली बात तो एनर्जी के लिए जरूरी है, कोल से उन्हें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है और कोल ही उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जो अवेलेबल है अबंडेंस में, इस वजह से उन्हें कोल माइन के सामने ही वो करते हैं ताकि उनके एनर्जी मिलती रहे कोल। तो ये हमारा रीजन हो गया। अब आ जाते हैं सेकंड, पेट्रोलियम इज रेफर्ड एज ब्लैक गोल्ड, वाई, क्योंकि इसकी वैल्यू है, पेट्रोलियम की वैल्यू है, पेट्रोलियम जो है उसकी वैल्यू है, क्यों, क्योंकि लिमिटेड है, जिस जो चीज लिमिटेड होती है उसी की वैल्यू होती है, जैसे इसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं, गोल्ड की वैल्यू होती है ना, लिमिटेड है, पेट्रोलियम की वैल्यू होती है क्योंकि वो लिमिटेड है, वेस्ट एशिया और कुछ कंट्रीज को छोड़ के ज्यादा में नहीं मिलता है, ये भी मैंने कारण बता दिया। थर्ड, क्वायरिंग कैन बी बिकम एन मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न, भाई क्वायरिंग मतलब कि अर्थ के सरफेस पे कुछ मिल रहा है और उससे हम क्या कर रहे हैं, गड्ढा खोद रहे हैं और उसको निकाल ले रहे हैं, तो एक मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप गड्ढा खोदोगे वहां के ऑर्गेनिजम्स बाहर आ जाएंगे तो एनवायरमेंट को प्रॉब्लम होगी, तो ये हमारा उससे हो जाएगा, ठीक। मैंने आपको बताया ना क्वायरिंग, ओपन कास्ट माइनिंग, फिर वो शेड माइनिंग, फिर ड्रिलिंग, तो उसमें ये फर्स्ट था। अब क्या फोर्थ, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स मस्ट बी केयरफुली लुक्ड इनटू बिफोर बिल्डिंग ह्यूज डैम, जो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट है उनको देख लेना चाहिए डैम बनाने से पहले, क्यों ये आपको बताना भाई, ऐसा क्यों करना चाहिए, क्योंकि डैम बनाने से पहले अगर ये नहीं देखेंगे तो जो गांव है वो सारे डूब जाएंगे, अगर डैम के गेट खोलने पड़ गए तो फ्लड आ जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी, लैंडस्लाइड होने के खतरे मंडरा जाएंगे, ये सारी चीजें होने लग जाएगी। तो डैम बनाने से पहले बहुत सारी चीजों का ध्यान हमें रखना चाहिए, एक कारण है क्योंकि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो सकती है। अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर, ये तो हमने देख लिए सारे के सारे कारण बताओ। अब चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। नेम एनी थ्री कॉमन मिनरल्स यूज बाय यू एवरीडे, तो आप कौन कौन से मिनरल्स यूज करते हैं आप सब जानते हैं, ग्रेफाइट, पेंसिल होता है ना यूज करते हैं आप, तो ग्रेफाइट तो एक तो मैंने बता दिया आपको, दूसरा आयरन तो आप जानते ही, तीसरा आप कुछ भी लिख सकते, निकल कुछ भी। तो वॉट इज एन ओर, और क्या है, मैंने आपको बताया हाई कंसंट्रेशन होता है इसमें मेटल वगैरह, तो जो हाई कंसंट्रेशन होता है ना आयरन और, तो हाई कंसंट्रेशन होता है क्वालिटी वाला, तो ये होता है, ठीक है। वेयर आर द ओर्स ऑफ मेटलिक मिनरल्स एनर्जी लोकेटेड, कहां पे लोकेटेड होते हैं, तो ये आपको क्या करना होगा, होमवर्क में करना होगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि जनरली कहां पे लोकेटेड होते हैं, ठीक। थर्ड,
name two regions rich in natural gas resources. दो रीजन के नाम बताने जहां पे नेचुरल गैस रिसोर्स ज्यादा मिलते हैं। चलिए नेचुरल गैस में चलते हैं, हम वहां पे हमें सारे के सारे आंसर हमारे मिल जाएंगे। ये हो गया हमारा नेचुरल गैस, तो कहां पे मिल रहा है, क्या मिल रहा है, चलिए देखते हैं। तो किस तरीके से क्या हो रहा है वो हमें देखना होगा। चलिए देख लेते हैं। कहाँ कहाँ पे देखिए, चाइना, रशिया, यूएसए, यूक्रेन, इंडिया, यूके, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब जगहों पर कोल प्रोड्यूस होता है। तो कोल आ गया, हमें क्या बताना है, हमें तो नेचुरल गैस बताना है। तो यूएसए, रशिया, यूके, नॉर्वे एंड द नीदरलैंड जो है ना आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ नेचुरल गैस। तुमने कोल बता दिया गलती से, ये ठीक। और इंडिया में बॉम्बे, हाई, आसाम, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा, ठीक। ये हमारा आंसर हो गया, हमें यही तो बताना था, हमसे यही तो पूछा गया था, हमसे क्या पूछा गया था, हमसे यही चीज पूछी गई थी कि टू रीजन बता रहे रिच इन नेचुरल रिसोर्स। तो अगर देखा जाए एक तो आसाम है और एक बॉम्बे आए है अगर इंडिया की बात करें तो, और अगर अगर अदर कंट्रीज की बात करें तो रशिया, यूके, यूएस, वो सब मैंने आपको बताई थी, जर्मनी वगैरह। फोर्थ, विच सोर्स ऑफ एनर्जी वुड यू सजेस्ट, तो आप कोई सी भी एनर्जी सजेस्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है कि भाई कौन सी एनर्जी आपको सजेस्ट करनी है, कौन सी ज्यादा अच्छी रहेगी। मेरे हिसाब से तो सोलर एनर्जी सबसे बेस्ट एनर्जी है। अब हम देखेंगे कुछ एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन, इसमें मैं आपको ज्यादा क्वेश्चन होमवर्क में देने वाला हूँ, ठीक है, तो प्रिपेयर रहिएगा क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, इसमें भी क्वेश्चन आंसर कराऊंगा और कुछ आपको होमवर्क में दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन, इन मीका, इन इंडिया मीका इज फाउंड इन, मीका कहाँ पे फाउंड होता है इंडिया में, ये बताना है आपको। वही मीका भी हमने देखा था, राजस्थान में मिलता है या नहीं मिलता, मेरे हिसाब से तो मिलता है। चलिए हम देख लेते हैं इंडिया में राजस्थान में मीका मिलता है या नहीं मिलता। अरे ये भी इंडिया में, इंडिया इंडिया इंडिया, चलो भाई इंडिया चले, इंडिया में हमें मिल जाएगा भाई। कौन सा मीका है, ज़्यादा दूर आ गए, हमें इंडिया में, ये देखिए इंडिया में ये हम चल रहे हैं, आयरन, लाइमस्टोन, गोल्ड, सॉल्ट, मीका, देखिए कहाँ कहाँ पे, पूरे झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। हमें राजस्थान देखा था, बस हमारा आंसर हो गया क्या, राजस्थान, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया राजस्थान। अब चलिए हमारे सेकंड क्वेश्चन को आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन फेरस मिनरल, मतलब नॉन फेरस मिनरल कौन है, जहां पे आयरन नहीं है, क्रोमाइट, आयरन और आयरन ओर में तो आयरन और है, तो गोल्ड या फिर क्रोमाइट, क्रोमाइट भी है क्या फेरस, हमारा क्या होगा आंसर, गोल्ड, ठीक है। आंसर क्या हो गया हमारा, गोल्ड हो गया। आप सबको शक है, मुझे भी है, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार क्या कर लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं कि भाई ये सच में है या नहीं है। आ जाइए, मेटालिक, नॉन मेटालिक, फेरस, ये मेटालिक हमने देखे, फेरस हमने देखी, नॉन फेरस में ये देखिए गोल्ड यहां पे दिख रहा है ना, नॉन फेरस में गोल्ड आता है, आयरन में मैग्नीज, क्रोमाइट जो फेरस के, तो इस वजह से हमारा आंसर एकदम सही है, गोल्ड। देखा, हर चीज आपको आंसर मिल जाएगा, आप बस बुक में एक बार देख लीजिए, हर चीज का आंसर बुक में। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन पे, अ मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स इज कॉल्ड व्हाट, एक मिक्सचर है दो मेटल्स का उसे क्या कहेंगे भाई, ये बताना है। चलिए देखते हैं, दो मेटल्स मिक्स कर दिए गए, फेरस बनेंगे, मेटलिक बनेंगे, एलॉय बनेंगे, ये आपको बताइए। अ मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स इज कॉल्ड व्हाट, फेरस, मेटलिक या फिर एलॉय, ये आपको होमवर्क में बताना होगा, ठीक है, बता रखा मैंने आपको, आपको ऊपर मिल जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैरायटी ऑफ कोल, कोल की वैरायटी क्या है भाई, हीट, हाँ है तो सही,
एलपीजी नहीं है, डीजल भी नहीं है, तो फ्लीट हमारा आंसर हो गया। इतना आसान क्वेश्चन था। तो इस तरीके के क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। अब आ जाइए आपके फिफ्थ क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कन्वेंशनल पावर सोर्स। कि भाई कन्वेंशनल पावर सोर्स कौन सा नहीं है, ये मैं बताऊंगा। क्या है? नॉट अ कन्वेंशनल पावर सोर्स। कोल कन्वेंशनल है, हाँ है। फायरवुड, हाँ है। बायोगैस, नहीं। हमारा आंसर क्या हो गया? बायोगैस हो गया, ठीक है। अब हमें क्या भरने? फिल इन द ब्लैंक्स भरने। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स भर लेते हैं। यूजफुल मिनरल्स आर फाउंड इन थिन लेयर और वेन्स इन रॉक्स बुरिड अंडर द। कहाँ पे भाई बुरिड करते हैं बताइए? यूजफुल मिनरल्स है जो लेयर्स में फाउंड होते हैं और वेन्स में फाउंड होते हैं इन रॉक्स, बरिड अंडर वॉट, ये आपको बताना है। कहाँ पे बरिड करते हैं? जहां तक मुझे पता है, फाउंड इन थिन लेयर्स और वेन्स इन रॉक्स, बरिड अंडर द अर्थ सर्फेस। बट फिर भी आप देख सकते हैं, तो ये होमवर्क में हो गया, ठीक है। अर्थ सर्फेस मैंने आपको बता भी दिया है, आप लिख लीजिएगा। द रिस्क ऑफ सेटिंग अप न्यूक्लियर पावर प्लांट इन द जनरेशन ऑफ, ये भी आपको बताना है, ये आपका होमवर्क में हो गया। मिनरल्स कैन बी क्लासिफाइड एज, ये भी होमवर्क में है। मैं आपको बताता हूँ, ज्यादा होमवर्क दूंगा इस बार में। एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कॉल्ड व्हाट। इंटीरियर ऑफ द अर्थ से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, क्या बोलेंगे बताइए बताइए? ये भी आपको होमवर्क में दिया है, मैंने आपको बताया है। सोलर एनर्जी प्रोड्यूस विद इन विद द हेल्प ऑफ फोटो, याद कीजिए फोटो, हाँ इसी से होगा होमवर्क। इज अ फॉसिल फ्यूल विच इज फाउंड इन अबंडेंट क्वांटिटीज। कौन सा फॉसिल फ्यूल अबंडेंट क्वांटिटीज में है बताइए बताइए? तो ये होमवर्क में होगा। अब देखिए, नॉन फेरस मिनरल्स आर दोज दैट डू नॉट कंटेन, ये मैं आपको बता देता हूं, ये क्या होगा? आयरन। चलिए ये तो मैंने आपको बता दिया। अब आ जाते हैं हमारे होमवर्क में, कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं हमारे मैच द कॉलिंग। सारे मैच द कॉलिंग आपको होमवर्क में करने होंगे। कहां पे? होमवर्क में करने होंगे। और टिक द करेक्ट वन, ये मैं आपको यहीं पे बता देता हूं। फर्स्ट, मिनरल्स दैट लाई नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ आर डग आउट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्वेरिंग। बिल्कुल सही, एकदम सही। लाई नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ डग आउट, दिस प्रोसेस कॉल्ड क्वेरिंग, बिल्कुल सही। सेकेंड, मिनरल्स दैट डू नॉट कंटेन मेटल आर कॉल्ड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। जहां में मेटल नहीं होते वो नॉन मेटेलिक होते हैं, बिल्कुल सही है। न्यूक्लियर एनर्जी इज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। भाई न्यूक्लियर एनर्जी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कब से हो गई? न्यूक्लियर एनर्जी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। आ जाइए, न्यूक्लियर एनर्जी, ये न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर पावर नहीं है, मतलब ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये नॉन कन्वेंशनल है, सोलर एनर्जी उनके साथ है, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी भी जो है पॉल्यूशन तो नहीं करती, बट रेडिएशन देखिए। फोर्थ, ऑर्गेनिक मैन्योर इज प्रोड्यूस फ्रॉम बायोगैस प्लांट। हाँ, प्रोड्यूस किया जा सकता है। फिफ्थ, एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। जो टाइड से जनरेट होती है उसको तो टाइडल एनर्जी कहेंगे, ये तो गलत है। सिक्स, पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, बिल्कुल सही। झाड़िया इज एन इंपॉर्टेंट कोल माइनिंग सेंटर, ये आपको होमवर्क में बताना है। कोल माइनिंग सेंटर इंडिया में, वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में आपको बन जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या बताना है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब हमें आंसर बताना है इन फॉलोइंग क्वेश्चन का। पहला क्या, विच सोर्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी इज मोस्ट सुटेबल फॉर इंडिया, गिव रीजन। कौन सी सुटेबल है ये आप देख सकते हैं, न्यूक्लियर सुटेबल है या फिर सोलर और विंड। सबसे ज्यादा सुटेबल मेरे हिसाब से सोलर है, उस पर आपको डिटेल में सोलर मिल जाएगा, ये आपके होमवर्क में आपको मैं दे दूंगा। व्हाट इज एन ओर, ये वापस से वही क्वेश्चन आ गया कि आपके होमवर्क में दिया था ऊपर भी। गिव फाइव वेज यू कैन सेव एनर्जी एट होम,
आप एनर्जी को किस किस तरीके से सेव कर सकते हैं, उसमें आपको क्या बताना है, पाइप बेस बताना है, तो पावर एनर्जी के कंजर्वेशन के वाले पे देख लीजिएगा। विच मिनरल्स आर प्रेजेंट इन साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट मैंने आपको बताया था, उसमें देखिएगा आपको आंसर मिल जाएगा। इस तरीके से मैंने आपको सारी हिंटों के साथ दे दी और होमवर्क भी आपको ये ज्यादा इस बार दिया। तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट होता है, इसको मैंने आपको रीड करने के लिए कहा ही था। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।